You need something big. Let's do what we always do. Something really bold. Let's take on the D segment. Let's create the big daddy of all SUVs. Because nothing else. देखा आपने ट्रीजर? इसका मतलब अब बड़े पापा आने वाले हैं। बड़े पापा मतलब ताऊ जी। जो महिंद्रा ने अपना ऑफिशियल ट्रीजर जारी किया, एक नया वीडियो जारी किया है महिंद्रा स्कॉर्पियो के बारे में, उसमें उसने कहा है बड़े पापा, मतलब बड़े पापा के नाम से मशहूर होगी अब ये एसयूवी। इस एसयूवी को डिजाइन किया गया है महिंद्रा एंड महिंद्रा डैडी ऑफ एसयूवीज फ्रॉम महिंद्रा कमिंग सो बिग डैडी ऑफ एसयूवीज। महिंद्रा ने यही नाम दिया है अपनी नई आने वाली अपकमिंग स्कॉर्पियो के बारे में। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एक ट्रीजर जारी किया है जिसमें उसने स्कॉर्पियो के कुछ हेडलैम्प्स के और DRL की झलक दिखाई है और कहा है कि ये होगी SUVs के ताऊ जी, मतलब बिग डैडी। हम अपने पापा से बड़े जो उनके भाई हैं उनको बोलते हैं ताऊ जी, और जो हम बोलते हैं उनको बड़े पापा। तो बड़े पापा लॉन्च होने वाले हैं बहुत ही। पहला ट्रेजर जारी करते हुए प्रमोशनली एक्टिविटीज़ भी शुरू कर दी है, और ये जो महिंद्रा की नई स्कॉर्पियो होगी ये कुछ नए बेंचमार्क स्टार्ट करेगी। ये अपने पुराने अवतार से बिल्कुल अलग होगी। इसमें जो फीचर्स आएंगे वो नई स्कॉर्पियो के बहुत ही जल्द रिवील होने वाले हैं, क्योंकि महिंद्रा की जो फर्स्ट स्कॉर्पियो आई थी वो आई थी 20 जून 2002 को। तो अब महिंद्रा ऑफिशियली यही चाहेगा कि वो अपनी जो नई एसयूवी है, नया स्कॉर्पियो है, वो लेके आए 20 जून 2022 को। महिंद्रा ने जो ट्रीजर जारी किया उस ट्रीजर के बैकग्राउंड म्यूजिक में अमिताभ बच्चन की आवाज़ है, जो बहुत ही भारी है। जैसे ये एसयूवी भारी है उसी तरीके से ये अमिताभ बच्चन जी की भी आवाज़ भारी है। तो अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों कि नई एसयूवी कैसे होने वाली है, और ये एसयूवी बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाली है। महिंद्रा ने अपनी अपकमिंग एसयूवी स्कॉर्पियो का ट्रीजर वीडियो जारी किया है जिसे Z101 कोड नेम दिया गया है। ट्रीजर में एसयूवी को बिग डैडी ऑफ एसयूवीज कहा गया है, जो इंडस्ट्री में नए बेंचमार्क सेट करेगी। पहला टीजर जारी करते हुए कंपनी ने नई स्कॉर्पियो से जुड़ी प्रमोशनल एक्टिविटीज शुरू कर दी है। जो टीजर जारी किया गया है उसमें बैकग्राउंड वॉइस में अमिताभ बच्चन की एक भारी आवाज़ का इस्तेमाल किया गया है। बता दें नई महिंद्रा स्कॉर्पियो 2022 मॉडल को मुंबई में स्थित महिंद्रा इंडिया डिजाइन स्टूडियो MIDS में डिजाइन किया गया है, और इसकी इंजीनियरिंग चेन्नई के पास स्थित महिंद्रा रिसर्च वैली MRV में की गई है। और इस SUV से जुड़ी और ऑफिशियल डिटेल जल्द बाहर आने वाली है, और इस SUV में और बड़े बदलाव नज़र आने वाले हैं। यह SUV दो मॉडल्स में लॉन्च हो सकती है, जिसमें पेट्रोल इंजन भी आएगा और डीजल इंजन भी आएगा। इसमें 6-speed मैनुअल और 6-speed ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स भी हो सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ये कन्फर्मली कह सकते हैं कि 20 जून 2022 को महिंद्रा स्कॉर्पियो लॉन्च हो सकती है, क्योंकि महिंद्रा की जो पहली स्कॉर्पियो आई थी वो आई थी जून 2002 के अंदर, और डेट थी 20 जून 2002। तो आज 20 साल हो जाएंगे उस डेट को महिंद्रा को लॉन्च हुए, तो ये बहुत ही अच्छी डेट है। इसमें 2022 मतलब बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मिस्टर इंडियन।